कुछ दिन से आप लोग जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्या मामला बना, क्या स्थिति है, क्या गेट मीटिंग है, क्यों ये मामला नहीं सुलझ पाया? नहीं, जैसे हमने परसों गेट मीटिंग की तो हमने सोचा शायद सरकार में बुलाए, सरकार में यानी चीफ सेक्रेटरी या फिर मुख्यमंत्री महोदय, तो पता चला कि मुख्य सचिव महोदय तो हमारे धरना प्रदर्शन से पहली रात ही गायब हो गए। और जिस दिन मैंने धरना दिया तो पाशाम को पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए, और पिछले कल तो ना यहाँ पे मुख्य सचिव थे ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, इसीलिए पिछले कल वार्ता नहीं हो पाई। और आज हमने पहले ही हमने बता दिया था कि अगर हमारी वार्ता नहीं हुई तो हम आज फिर से जनरल हाउस करेंगे, तो आज ये हो रहा है। सरकार के मंत्री जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, किस तरह देखते हैं आप उनके बयान? बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे मंत्री बना दिए सरकार ने। परसों मैंने दो मंत्री के बारे में कहा कि उनके जो कारनामे क्या थे, और जो कल वाले मंत्री हैं उनका जो है ये बयान है कि कर्मचारी या तो हमारे साथ खड़े रहें तो उनको वो मिलता रहे जो हम दे रहे हैं, अन्यथा जो ये मिल भी रहा है ना इसको भी हम काट देंगे। अरे मंत्री महोदय, आप ठेकेदार हैं क्या, या और हम आपके वो हैं नौकर हैं क्या? तुम्हारा दिल करेगा काट देगा, और तुम्हारा दिल करेगा बढ़ा देगा हमारी सैलरी। कौन होते हैं आप? अपने गिरेवान में देखिए, झांक के देखिए अपने गिरेवान में। मैं आपके माध्यम से उन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता आपसे पूछती है, पहला सवाल, क्या आपका 20,000 बिल आता है टेलीफोन का? अगर 20,000 बिल आता है, नहीं आता है, अगर आपका 20,000 बिल नहीं आता है ना, तो बाकी पैसा कहाँ डालते आप? अगर आप में शराफत होती, क्योंकि 500 रुपये काफ़ी होता है टेलीफोन का बिल, तो वो 19,500 रुपया वापस किया करते हर महीने। दूसरा सवाल, क्या वो इतना सत्कार, आदर सत्कार करते अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो 95,000 जो सत्कार भत्ता ले रहे हैं कि वो उनका खर्च हो जाता है? मुझे बताएं, कोई एक आदमी मेरे को बताया कि जो माननीय मंत्री जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो वो जो ना लोगों को टोपियाँ बनाते हैं, शॉल डालते हैं, बल्कि लोग उनको टोपी और शॉल नहीं डालते हैं। नंबर तीन, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का इस पर क्या कहना है कि जो प्रदेश के जो ये दो मंत्री थे जिन्होंने अपने आशियाने उस पर ऑफिस पे इतना खर्चा कर दिया, करोड़ों का खर्चा कर दिया है, उस पर उनका क्या कहना है? तो ये जो तीन सवाल है ये पूरी जनता, प्रदेश की जनता उनसे जानना चाहती है। अगर बात नहीं है, सर, अगला कदम क्या रहेगा सरकार नहीं मानती? नहीं, बात तो हम तो चाहते हैं बात करें, संवाद से बड़ी बड़े उसका हल होता है, समस्याओं का हल होता है। लेकिन जैसे शायद हो सकता है आज हमारे को बात के लिए बुलाएं, टेबल टॉक के लिए बुलाएं, अगर माननीय मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम जाएंगे। लेकिन जो ये मांग है हमारी डीए की और पे स्केल एरियर की, वो तो हम लेके रहेंगे। मतलब डीए तो ये है साहब, मैंने कहा था आपको कि डीए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो हमने कमाया है, ये जो ड्यू है हमारा वो 1/1/2023 से है, ये तो हमारा हक है, हम इनसे करात नहीं मांग रहे इसके लिए। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आपने कहीं कमाया हो, किसी से आपने लेना हो, अपनी कमाई ले, क्या करेंगे आप? आवाज़ उठाएंगे ना, तो वही आवाज़ हम उठा रहे हैं। संजीव जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, लगातार आप गेट मीटिंग प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, क्या निकला है इसी पर अभी तक, निष्कर्ष क्या निकला है? नहीं, अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। एक एक करके ये प्रदेश सरकार के जो मंत्री बैठे हैं ना, इनकी पोल खुली जा रही है, पूरे प्रदेश की जनता को इनके कारनामों का पता चल रहा है कि टेलीफोन के लिए भी 20,000 महीने का लेते हैं, जो 500 से ज़्यादा नहीं होता है। पूरे प्रदेश के लिए इनके पास पैसा नहीं है, प्रदेश की जनता के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए इनके पास पैसा है। मदद का हवाला दे रहे कि जिस तरह से त्रासदी यहाँ आई है और प्रदेश में जिस तरह से जो है वो संकट गरमाया है, उसका हवाला दे रहे कि अभी पैसा नहीं है, जैसे पैसा आएगा तो दे दिया। मैंने कहा ना आपको कि भाई एक एक करके जो है इनके पोल खुलेंगे। त्रासदी की बात की ना आपने, डिजास्टर के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अभी आपको पता नहीं होगा 2023 में डिजास्टर का इन्होंने 114 करोड़ लैप्स कर दिया है, 114 करोड़ जो लोगों को जाना था, लोगों में बंटना था, वो लैप्स कर दिया। किसकी ये वो है, किसकी नलायकी है? यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की नलायकी है।
वो पैसा नहीं खर्च कर पाए भाई, 114 करोड़ का लैप्स हुआ है। अरे ये जो अफसर लोग पता क्या समझते हैं, ये संजीव कुमार नेता है ना, अरे इनको ये नहीं पता 35 साल हो गए मेरे को कर्मचारी की राजनीति करते हुए जी, ये ओपीएस अब बंद करेंगे, हो सकता कहीं ऐसा, ये इनकी टैक्टिक्स है, ये चाल है इनकी। तो मैं अपने आपके माध्यम से आपके चैनलों के माध्यम से कह जाता हूँ, अब कहीं होता है ऐसा, हाँ जी हम आपको ओपीएस देंगे, लोग आपको वोट देंगे, ओपीएस हो गई, अब आपने सरकार बन गई, अब हम ओपीएस को जो वापस एनपीएस करेंगे, हो सकता है कभी ऐसा। तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सोचते कि हाँ जी कह रहे हैं गिरी चमका रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं हमें और वर्गों का भी सोचना है। आप बोलो क्या नेतागिरी चमकाई संजीव कुमार ने? अब संजीव कुमार को लोग लाइक कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से लाइक कर रहे हैं। मेरा जो इससे पहले आज तक से इससे पहले मतलब इस प्रकरण से पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 5 लाख लाइक्स आए थे। कोई है प्रदेश में कोई नेता जिसकी पास, और जो परसों वाली मेरी वो है स्पीच है उसमें कहते 6 लाख बोल रहे हैं, 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज हो गए हैं। तो मैं इससे जो धमाणी जी है ना आपके, इनको पूछना चाहता हूँ, अब नेता आप है कि मैं हूँ, आप तो मंत्री है यार, कभी आपकी बाइट पे इतने लाइक्स आए? आपने कल बाइट दी 2 मिनट की बाइट, उसको भी पढ़ के उस बाइट को दे रहे हैं, कैसे कैसे मंत्री बना रहे हैं, और वो बाइट दे दी आज के इस संवेदनशील जो आज का ये है ना तो, क्या कहते हैं परिस्थितियाँ हैं, यहाँ जो प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी डीए मांग रहा है और ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डीए तो छोड़ो, जो आपको हम दे रहे हैं उसको भी छीन लेंगे। अरे ये तो सरकार गिराने की बात कर रहा है, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये आपका मंत्री है ना, सबसे पहले आपकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है, तभी उसने एक गैर जिम्मेदाराना इन्होंने अपना बयान दिया है। कर्मचारी संगठनों के अलावा बेरोजगारों का साथ नहीं मिल पा रहा है आपको, क्या मानते हैं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है और सरकार जानबूझकर दबा रही है? बिल्कुल, बेरोजगारी की तरफ किनको कोई ध्यान ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो आया उसको जो है ना री एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन दे जा रही, इधर एक राम सुहाग सिंह जी हैं उनको री एम्प्लॉयमेंट नहीं भाई साहब, उनको री एंगेजमेंट वो दी गई उनको, मतलब हैरानी होती है यार। अरे पहले ही उसकी तनख्वाह दाई जाए 3-3 लाख है, क्या जरूरत है अभी उसको देने की री एंगेजमेंट देने की, औरों को री एम्प्लॉयमेंट और उसको री एंगेजमेंट, पूरे भत्ते पूरे लाखों रुपया का क्या क्या कंट्रीब्यूशन उसका प्रदेश के लिए, बताइए जरा मेरे को क्या जरूरत है प्रदेश को कि उसको बार बार उसको री एम्प्लॉयमेंट बंद होनी चाहिए और नए युवाओं को रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से कई IAS अफसर है, एक दीपक सानन जी को मुझे पता चला कि उनको भी बहुत सारे लाभ दिए जा रहे हैं, पता नहीं इसके बारे में मेरे पास मालूम, इसी तरह कई IAS अफसर हैं। एक मेरे को आज सुबह फोन आया, वो फोन मुझे आता है ऊना से, वो रिटायर्ड आयुर्वेदिक अफसर थे, वो कहते हैं कि एक धर्मशाला में OST लगाया गया है, उस OST 2 साल पहले रिटायर हो गया है, उसकी जो पेंशन है वो 1.5 लाख है, अब उसको रीएम्प्लॉय किया गया है, 80,000 रुपया दिया जा रहा है, ऑफिस दिया जा रहा है और गाड़ी दी जा रही है, कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट तो अपने आप में एक यार गरीब डिपार्टमेंट है, तो क्या जरूरत है उसको वहाँ बैठाने की OST, जहाँ आप जाएंगे वहाँ OST वहाँ पे OST। तो इसीलिए तो हालात ठीक नहीं है, अब जागना पड़ेगा। मेरे साथ पूरा प्रदेश का कर्मचारी आ चुका है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, चाहे वो आउटसोर्स वाला है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी है। अभी 262 करोड़ की बात आई, ठीक है, सचिवालय में 82 लोग आने थे, सारी फॉर्मेलिटी सारी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बुरा हाल है। आवाज़ तो किसी ने किसी को उठानी पड़ती थी, लोग डरते थे, आज भी देखो प्रदेश का जो कर्मचारी जो अपने आप को तथाकथित नेता बनते हैं, किसी की आवाज़ नहीं गूंज रही है, और मुझे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं, वरना ये मेरा काम हमारा नहीं होता था। पहले तो डिपार्टमेंट वाले बाहर जाते थे, उसके बाद जो है सेक्रेटरेट वाले बाहर आते थे, आज सेक्रेटरेट वालों को बाहर आना पड़ा। धन्यवाद।